आपका मैसेज आया था, क्यों बुलाया बाबू? हाँ मैंने बुलाया था, तुमने हद से ज्यादा बकवास किया आज। और वो जो कुछ आप कर रहे हैं उसका क्या करें हम? तो क्या आप तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलूंगा मैं? आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं वहां जाकर देखता हूं। अभी वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर रहो। बाबा आपका नाम फिकरत कराकिया और कराकिया फैमिली के मर्द कभी भी उस औरत से प्यार नहीं करते जो पहले से किसी को चाहती हो, कभी नहीं जाते उसके पास। जब तुम सिरमा के पास गए थे तो मैंने कुछ कहा था तुमको? आपने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा जब मेरी मां सुरंग में दम तोड़ रही थी। मैं तुमसे पहले भी ये बात कह चुका हूं, मेरा कोई भी इरादा नहीं था मारने का उसे। तो आप क्या मजाक कर रहे थे मेरी मां से, या ये सब आपको मजाक दिख रहा है? सुन ले, या तो आप जोरा को मारेंगे या फिर मैं आपको मार दूंगा। और कुछ कहना है? हाँ कहो ना कुछ, क्यों खामोश हो? मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। ठीक है, जैसा करना है तुम्हें वो करो। बहुत पछतावा होगा आपको। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं पछताया। बाबा जोहरा मुझसे 15 साल छोटी है और आपने जो उसके साथ रिश्ता बनाया है उस रिश्ते से वो मेरी मां होती है, तो आप खुद बताएं मुझे, मैं उसे अम्मी कहूं? जवाब है आपके पास मेरी बात का? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और आपकी तो उम्र है, अगर आपको कुछ हो गया तो जरा सोचिए, आपके बाद भी मुझे उसको मां ही समझना होगा, और फिर दुनिया हंसेगी मुझ पर। बाबा सोचिए, सोचिए जरा। बहुत सोचा मैंने, लेकिन किसी भी तरह मुझसे ये रिश्ता हजम नहीं हो रहा। बाबा अपने से 15 साल छोटी लड़की को मैं मां कहूं इससे बेहतर है आप गोली मार दें मुझे। ठीक है ना, आप अपनी जिंदगी उसके साथ मौज में गुजारें, अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर, अपने बेटे पोते और बहू का ख्याल किए बगैर, और आप ये चाहते हैं कि हम सुकून से रहें, तो बाबा सुन ले, हमारा पुरसुकून होना नामुमकिन है। नए जूते की तरह काटता रहूंगा। फिकरत साहब, पुलिस आई है कुछ बात करने। यूनिफॉर्म में आए हैं वो लोग क्या? जी वर्दी में, स्टेशन से आए हैं। वो गन उठाओ वहां से।